हाँ तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है वीडियो को पॉज करके लिख लो। आई होप लिख लिया होगा आपने अभी तक। तो हम अभी चैप्टर के कोर में आ चुके हैं। कोर मतलब अभी हमारा चैप्टर लिटरली शुरू हो चुका है। पिछला वाला क्लास इंट्रोडक्शन का था, तो पिछले वाला क्लास हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो कराना पड़ेगा ही। यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू हो जाता है। आज का चैप्टर खत्म होने के बाद करीब करीब आपको 30+ 30+ क्वेश्चन 80 वर्मा के होमवर्क दूंगा। कल का क्लास खत्म होने के बाद मैं खुद से एक शीट बनाऊंगा जिसमें मैं खुद से आपको सवाल दूंगा काफी अच्छे लेवल के। ठीक है बेटा? तो और एसएल अरोड़ा तो है ही आपके पास, आप एसएल अरोड़ा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं या कोई भी रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से 80 वर्मा के 30 सवाल होमवर्क आपको देने वाला हूँ। ठीक है? तो ये लेक्चर अच्छे से सुनिएगा, काफी सारे अलग टाइप के सवाल कराएंगे हम लोग। देखो भाई, तो टॉपिक आता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? आई होप आप लोगों ने एक बार ये पढ़ लिया होगा। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसको तभी एक बार रीड आउट करूंगा। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कैप्ट एट ए फाइनाइट सेपरेशन इज प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्टिंग द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है? पहली बात, यहाँ पे बात की गई है इस पूरे जो कूलम नाम के वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तो उन्होंने क्या बताया, पहले दो चार्ज ले लो भाई, Q1 और Q2। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होता है? जब दोनों चार्जेस अपोजिट होते हैं, प्लस माइनस। रिपल्शन कब होगा? जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते हैं, दोनों प्लस या दोनों माइनस। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो म्यूचुअल का मतलब क्या है, म्यूचुअल का मतलब ये है, उन्होंने बोला है कि मान लो ये Q1 2 कूलम है और ये Q2 4 कूलम है। तो पहली बात में ये लगता है कि भैया ये 4 कूलम है तो ये 2 कूलम को ज्यादा धक्का देगा, ये 2 कूलम है तो ये 4 कूलम को कम धक्का देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों में लगने वाला जो फोर्सेस है दोनों में सेम टू सेम लगेगा फोर्स। क्या ये बात क्लास 11 से ग्रेविटेशन से याद आ रही है? ग्रेविटेशन में भी मैंने बताया था, मेरा वजन मान लो 600 न्यूटन है, 600 kg नहीं भाई, 600 न्यूटन। ठीक है? अब मेरा वजन अगर 600 न्यूटन है तो धरती माता मेरे पे किस तरह फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ, कितना फोर्स? 600 न्यूटन। और मैं धरती माता पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 600 न्यूटन। किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो उसी तरीके की बात है। ऐसा नहीं कि धरती माता बहुत बड़ी है तो मेरे पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है, मैं छोटा सा हूं तो मैं धरती पे फोर्स नहीं लगा पा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात यह है कि दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है? तो म्यूचुअल वर्ड का मीनिंग यही है बेटा। ठीक है? म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये जो पूरा लॉ डिफाइन किया कूलम ने, सिर्फ और सिर्फ बेटा पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है? अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो भी मैं करा रहा हूं ये मतलब आया कहां से? ये बेटा कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सारे चार्जेस को लेके और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। तो 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्जेस क्या होने पड़ेंगे? पॉइंट कैप्ट फाइनाइट सेपरेशन। बेटा इनफाइनाइट सेपरेशन पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे फोर्स 0 हो जाता है। सेपरेशन क्या होना पड़ेगा? फाइनाइट। इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है बेटा कि 2 कूलम और 4 कूलम में जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स -2 कूलम और 4 कूलम में भी लगेगा, वही फोर्स 2 कूलम और -4 कूलम में भी लगेगा, वही फोर्स -2 कूलम -4 कूलम में भी लगेगा। इसका साफ साफ मतलब है इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच में वही फोर्स लगेगा, इन दोनों पे भी वही फोर्स लगेगा, ये दोनों पे वही फोर्स लगेगा। क्योंकि अच्छे से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों में क्या है, सेम। समझ में आया कि नहीं बेटा ये बात? ठीक है? तो हम अपने अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनके बीच का जो फोर्स है वो
कम होते जाएगा, वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और किस तरह डिपेंडेंट होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम्स, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि बेटा ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये ऐसे लग रहा है, मान लो Q1 और Q2 बेटा, एक मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो किस तरह के फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो Q1 क्या करेगा, Q1 उस तरफ जाना चाहेगा, Q2 इस तरफ आना चाहेगा, और दोनों के फोर्स जो है, देखो ये दोनों चार्जेस जो है, इनके बीच में अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो क्या वो दोनों फोर्स उसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस, द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द टू क्वांटिटीज और चार्जेस और मास, आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, एक म्यूचुअल, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, याद होगा मैंने ग्रेविटेशन में भी इसी तरीके के 7 पॉइंट लिखाए थे, और ये डिक्टो ग्रेविटेशन की तरह ही है बेटा, ये जो लॉ दिया ना डिक्टो ग्रेविटेशन की तरह ही है। तो ये लॉ जो आखिरकार बनता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनका मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पे मैंने डायरेक्टली, Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है स्मॉल के, बेटा याद रखना कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के लेंगे, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और बेटा एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4πε0, इसको कहते हैं बेटा EPSILON, और ये तो हो गया नॉट, तो इसको कहते हैं बेटा एप्साइलन नॉट। ठीक है बेटा, अब देखो के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो के की वैल्यू ये होती है, और इसका जो वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, 9 to 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। अब आप सोचेंगे कि बेटा एप्साइलन नॉट कहां से आया, एप्साइलन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पे ये अभी परमिटिविटी शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग चैप्टर के एंड में आएगा जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे। डाइलेक्ट्रिक वर्ड सुनके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक पढ़े नहीं हो तो पता कैसे होगा, जब चैप्टर में आएगा तब हम समझाएंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला दिया गया, ये जो फोर्स का बेटा फॉर्मूला दिया गया, ये उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है जो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। फ्री स्पेस का मतलब हो गया बेटा वैक्यूम में रखे गए हैं, तो ये वैक्यूम का एक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10 power minus 12। आप देखो कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, 9 to 10 power 9। 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 3.14 पता है, ये वाली क्वांटिटी आपको पता है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ ही जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा यूनिट डायमेंशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो चीज थोड़ी सी छूट गई थी वो सबको पता होनी चाहिए, जिन्होंने नहीं लिखा लिख सकते हो। देखो भाई, पहला चीज आपको चार्ज का कुछ चीजें छूट गई थी, मैं बता देता हूँ, चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम्ब। ठीक है, अब ये आपको दसवीं में मिल चुका है कि करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है, और चार्ज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर। तो आपको याद है डायमेंशन, तो डायमेंशन करंट क्या है, ए, ए था, हाँ ए, और टाइम पे कितना है बेटा, टी। ठीक है बेटा, तो इसका डायमेंशन आपका क्या हो गया, ए टी। किसी किसी किताब में ए की जगह आई दिया होगा, ठीक है बेटा, तो वो भी करेक्ट है, ए की जगह किसी किसी किताब में आई दिया हुआ है, किसी किसी किताब में आपका ए दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपके ऊपर है, आप आई ले लो यार, ठीक है, आई टी। नेक्स्ट आपका हो गया चार्ज के बाद आता है आपका ये स्मॉल के, स्मॉल के का डायमेंशन ये जो आया आपका, वो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सिंपल सा चीज है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। Q1 का यूनिट क्या है बेटा, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो के का यूनिट बेटा क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो बेटा आ गया कि नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बेटा एप्सिलॉन नॉट का, कुछ नहीं है बेटा, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा 4 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि वो कांस्टेंट है। के का डायमेंशन क्या है बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा 4 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? एग्जैक्टली ये ऊपर लेके जाओ, ये नीचे लेके आ जाओ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें बोल रहे हो कि सर पता है मुझे कि ये सब चीजें उतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन बेटा डायमेंशन के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, तो डायमेंशन हमको निकालना आना चाहिए भले ही आपको याद रहे ना रहे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आपने इसका डायमेंशन कहाँ निकाला? बेटा डायमेंशन निकालने में क्या है, देखो बोलते उसे निकाल ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ही निकाल देते हैं। हालांकि मैं ये होमवर्क देने वाला था, होमवर्क दे दे क्या कर पाओगे? कूलम का डायमेंशन क्या है बेटा? IT। न्यूटन का डायमेंशन आपको पता है MLT-2। मीटर स्क्वायर का डायमेंशन पता है L2। आ गया बेटा इसमें क्या, तो आपका काम है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों ये आज के क्लास का लास्ट थ्योरी है, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन में जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस 2-3 मिनट लगेंगे, थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम सीधा आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा डायलेक्ट्रिक शब्द काफी भारी लेकिन अर्थ एकदम आसान, इसका सीधा सीधा मतलब होता है मीडियम। हाँ एक अलग टाइप का मीडियम, लेकिन मैंने क्या बताया ये कब समझेंगे? चैप्टर खत्म, मैं चैप्टर के एंड पार्ट में पूरा अलग सा टॉपिक होता है डायलेक्ट्रिक, काफी मेजर पार्ट होता है, वो समझाएंगे हम। तो अभी के लिए आप बस जान के रखो मीडियम। अब कूलम ने ये देखा कि उन्होंने दो चार्ज को लिया, ठीक है, उसको फ्री स्पेस वैक्यूम में रखा और देखा कि उनकी बीच में कुछ एक फोर्स लग रहा है, उनके बीच में कुछ एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन लग रहा है, मान लो भाई कितना लग रहा है 100 न्यूटन। और उन्होंने देखा कि जैसे ही उसको किसी और मीडियम में रखते हैं, पानी में रखा या किसी प्लास्टिक के मीडियम में रखा या कॉन्क्रीट के मीडियम में रखा या किसी ऑयल में रखा या किसी अलग गैस में रखा, तो उसका जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये फोर्स अलग दिखाता है। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने उसको किसी एक ऑयल में रखा जिससे उसका फोर्स कितना हो गया बेटा 25 न्यूटन। कितना हो गया बेटा 25 न्यूटन। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई अब मैंने किसी एक ऑयल में रखा उसमें 25 न्यूटन हो गया, मैंने किसी पानी में रखा मान लो 50 न्यूटन हो गया मान लेते हैं, मैंने किसी और कॉन्क्रीट में रख दिया या दीवारों में एकदम घिसा के रख दिया 4 न्यूटन हो गया फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? मीडियम टू मीडियम फोर्स वेरी कर रही है, यानी फोर्स में एक और टर्म मिसिंग है जो कि मीडियम के लिए आएगा, सही बात है कि नहीं? तो उसे ही कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो डिनोट होता है बेटा आपका कैपिटल के से। ये बात समझ में आया बेटा आपको? कैपिटल के से। अब देखो ये कैपिटल के कहां आता है? कैपिटल के आता है नीचे में एप्सिलॉन नॉट के साथ, ये याद रख लो, जहां एप्सिलॉन नॉट आएगा वहां पे कैपिटल के साथ में आ जाएगा मीडियम के लिए, ठीक है बेटा। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? फ्री स्पेस के लिए। के किसके लिए है बेटा? मीडियम के लिए, ठीक है। देखो तो उन्होंने बोला कि अगर किसी वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, वैक्यूम और फ्री स्पेस बेटा सेम शब्द होते हैं, ठीक है, वैक्यूम या फ्री स्पेस में जब हम लोग रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम उन्होंने मीडियम में रखा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा कैपिटल के और पिछला वाला स्मॉल के से कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है बेटा। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, होशियार बच्चे हो, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो बच्चों तो उन्होंने कहा कि कैपिटल के को कैसे डिफाइन करें, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भैया ऐसा करो फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम से डिवाइड कर दो। फोर्स इन वैक्यूम कितना है बेटा? देखो फोर्स इन वैक्यूम कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम कितना है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छे से देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल किया, ये के सीधा कहां आ गया बेटा? ऊपर। तो हमें ये मिला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, नोट से मिल जाएगा आपको, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स कैप्ट एट द सेम डिस्टेंस व्हेन दे आर कैप्ट इन वैक्यूम
डिवाइडेड बाय व्हेन दे आर कैप्ट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. दोबारा बता रहा हूँ, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम सेट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन कैप्ट इन वैक्यूम बाय फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम व्हेन कैप्ट इन मीडियम. क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेटा देखो, फोर्स बाय फोर्स तो बेटा यूनिटलेस, डायमेंशनलेस. ये बात पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, बच्चा घबरा जाता है भैया डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो गया. ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आपको पता होनी पड़ेगी. खैर, आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम सब कुछ फ्री स्पेस में मान के करेंगे. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वाले सवाल कुछ नहीं है बेटा, के की वैल्यू जस्ट पुट करनी है. उसमें सवाल कुछ होते हैं जो हम चैप्टर के एंड में आपको बता देंगे, एकदम आसान सवाल होते हैं. ठीक है बेटा, अभी हमारा फोकस किस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस में, क्योंकि बेटा के ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना नीचे, सिर्फ नंबर्स में चेंज होंगे, उससे हमें क्या करना है. ठीक है बेटा, सो अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, तो बेटा रेडी हो जाओ दिमाग को लगाने के लिए. हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे. मैं सवाल का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं. हर टाइम मैं बोर्ड पे सवाल लिखूंगा, आपका काम है सवाल पढ़ना, वीडियो को पॉज करना, सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ के देखो आपको आता है कि नहीं. अगर आता है, आपको लगता है कि आसान सवाल है, सीधा फास्ट फॉरवर्ड 2 मिनट कर दो, हम अगले सवाल में आ जाएंगे. तो मान लो आपको अगला सवाल भी आता है, फास्ट फॉरवर्ड 2 मिनट कर दो, वो सवाल भी आता है. तो इस तरह आपको आगे बढ़ते जाना, वीडियो खत्म करना है, समय खराब नहीं करना है. लेकिन मान लो आपको मैंने सवाल दिया और आपको नहीं आता है, इंतजार करो, मेरे को सॉल्व करने दो. ठीक है बेटा, क्योंकि हर सवाल डिफरेंट होने वाला है, और सिर्फ वीडियो में करा रहा हूं तो बेटा हर सवाल अपने में यूनिक होगा. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, -1 माइक्रोकूलम एक और चार्ज है. उनके मासेस दिए गए हैं, 2 पॉइंट मासेस में है वो, और उन पॉइंट मासेस का वजन दिया गया है, एक 1 kg का है, दूसरा 2 kg का है. उनके बीच में सेपरेशन 2 मीटर है. बट ऐसा करते हैं 2 मीटर नहीं, 6 मीटर लेते हैं यार. ठीक है, थोड़ा सिंपल डाटा लेते हैं जिससे कि आपको भी आसानी हो, मेरे को भी आसानी हो. नहीं रहने दो यार, 2 मीटर जब है तो ठीक है यार, मेरे को क्या है. ठीक है, नंबर ही होगा. ठीक है, तो पहले बोला फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. ठीक है, ये आता होगा शायद. फोर्स निकालते हैं भाई, कुछ नहीं है, फोर्स इक्वल टू क्या था, स्मॉल के, या ऐसे ही याद रखो बेटा बोलना, 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R2. बेटा ये कितना हो गया, 9 × 10⁻⁹, जल्दी करोगे बिल्कुल समय नष्ट नहीं करना है. 2 × 10⁻⁶ × 1 × 10⁻⁶, बेटा माइनस नहीं पुट करना है यहाँ पे. सीधी तरीके से क्या बोला गया है, क्या बोला गया है बेटा, बोला ये गया कि मैग्नीट्यूड पुट करना है. ठीक है, डिवाइडेड बाई R2, R की वैल्यू बेटा कितना है, 2 स्क्वायर, तो 2 × 2, सब कुछ SI में रखेंगे हम लोग. 2 गया, आपका आंसर आया 9/2 × 10⁹ −6 −6. क्या हमारा आंसर 4.5 × 10⁻³ आ रहा है? समझ में आया बेटा ये? ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स है किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है कि इसमें लग रहा है? बेटा दोनों में लग रहा है, और दोनों में इस तरफ लग रहा है. क्यों इस तरफ लग रहा है? क्योंकि बेटा ये किस तरीके के बताया था, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि 2 μ − 1 ऑपोजिट साइन अट्रैक्शन, दोनों के दोनों इसी तरफ लगेंगे, एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉडी में भी इतना ही फोर्स लगेगा, इस बॉडी में भी इतना ही फोर्स लगेगा. पहला शब्द डेफिनेशन का म्यूचुअल, बेटा कुछ नहीं भूलना है. समझ में आ रहा है? आगे देखो, आगे आते हैं. तो हमारा फोर्स तो आ गया, नेक्स्ट बोला इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स. ठीक है बेटा, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, फोर्स वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, बस ये आपको याद रखना है कि फोर्स कितना था बेटा, 4.5 × 10⁻³ N. अच्छा बेटा, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, इतना, इसका मास कितना है, 1 kg. हमको पता है बेटा F इक्वल टू क्या होता है, MA. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाय मास. इस बॉडी का फोर्स, इस बॉडी में फोर्स कितना लग रहा है, 4.5 × 10⁻³. इस बॉडी का मास कितना है बेटा, 1 kg. तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 4.5 × 10⁻³ m/s². तो ये इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया. दूसरा, ये किस बॉडी, अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन देखते हैं भाई. अगेन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा बेटा, फोर्स बाई मास. फोर्स कितना है,
4.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई आपका मास कितना है यहाँ पे 2 kg। ठीक है बेटा, कितना है 2 kg, आंसर कितना है बेटा 2.25 m/s² आ गया जवाब। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों टकराएंगे कहाँ, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एग्जैक्टली बीच में टकराएंगे, सर एग्जैक्टली बीच में टकराएंगे, लेकिन बेटा एक बात समझ, इसका एक्सेलरेशन देख कितना है 4.5 × 10⁻³ m/s², सोचना यार ये कितना है 4.5 से आ रहा है और ये कितने से आ रहा है 2.25 से, यानी ये जल्दी आएगा ये स्लो आ रहा है, ये जल्दी आएगा ये स्लो आ रहा है, तो कुछ यहां कहीं से मिलेंगे ना। सोच के देख 1 kg वाला का एक्सेलरेशन ये कितने वाले के लिए, 1 kg वाले के लिए, ये कितने वाले के लिए 2 kg वाले के लिए, 1 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो 1 kg ज्यादा भागेगा ना, 2 kg का एक्सेलरेशन कम है बेटा ये कम भागेगा ना, तो दोनों कहीं यहां पे मिलेंगे सोच के देख, तो कहां मिलेंगे वो है बेटा सवाल और वो हमें है निकालना, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल है और ये आया था बेटा पीएमटी में, ये कुछ सवाल था पीएमटी में 2005-06 के करीब आया था, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे कि टकराएगा कहां, एक और बताओ याद है मैंने ग्रेविटेशन में ऐसा कराया था कि दो मासेस है दोनों टकराएंगे कहां, एक और बता अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं मैं, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स तो है, मैं दोनों को सिस्टम मानूं तो दोनों आपस में खींच रहे हैं। जैसे मान लो इस कमरे में मैं और एक आदमी है और दोनों के बीच में रस्सी है, मैं रस्सी को खींच रहा हूं वो भी रस्सी को खींच रहा है, तो बेटा ये तो रूम का इंटरनल फोर्स हुआ ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं। तो जब रूम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा सकते हैं कि नहीं, याद कर क्लास 11 में पढ़ाया था, अब मैं बता रहा हूं बार बार, मतलब सुन लो भी दिशा देवांजना, रिमाइंड करा रहा हूं तुम लोग को, 11वीं में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये कोई मतलब आसान सा खेल है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ट्राई करो करने का, ठीक है बेटा। चलो कराते हैं फिर, ये 1 kg ये 2 kg, अभी मिलेगा कहां पे मान लो बेटा, अच्छा मिलेगा कहां पे ऑब्वियस सी बात है, खुद एक बार बता, ये मान ले एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा तुम लोग को याद दिला देता हूँ यार फिर से, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, अब दोबारा से ड्राइवेशन करवाओगे यार, या सीधा बता देता हूँ तुम लोग को, मैं बता चुका हूँ यार क्लास 11 में, दोबारा नहीं करा रहा, देख लो एकदम आसान चीज है। दोनों आके कहाँ मिलेंगे, दोनों आके अपने सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे, पढ़ाया था क्लास 11 में, पढ़ाया था क्लास 11 से, दोनों आके कहाँ मिलेंगे अपने ही सेंटर ऑफ मास में, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास बेटा कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऑरिजिन मान लो, इसको ऑरिजिन मान लो, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मास कितना है 1, इनटू इसका पोजीशन कितना है 0, इसका मास कितना है 2, इसका पोजीशन कितना है बेटा 2, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है बेटा 2 + 1, यानी आंसर कितना हो गया 4/3, 1.33 meter, यानी कि यहां से 1.33 meter और यहां से 0.66 meter, समझ में आया कि नहीं, वहां पे आके वे लोग टकराएंगे। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से ये सवाल एकदम आसानी से हो जाता है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हमारा अगला सवाल पॉज करके लिख लो, तो देखो भाई लिख लिया होगा अभी तक आपने, मल्टीपल आंसर टाइप सवाल है पहली बात, ठीक है। जिनको लग रहा है कि भाई हमें आंसर मिल गया है, एक और बार सोच लो कि एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं तो अपने को सोचना पड़ेगा, हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ सही ऑप्शन मिला और हम आगे बढ़ गए। विच कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास विल प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, यानी कि दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों में कुछ फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों में एक्सेलरेशन कब सेम होगा, हमें एक्सेलरेशन की बात की गई है। यार पहली बात तो ये कि बेटा चार्ज ये Q1 Q2 हो, इसमें बेटा अगर फोर्स F लग रहा है तो इसमें भी बेटा फोर्स F ही तो लगेगा, क्या बताया था पहला शब्द म्यूचुअल, यानी कि ये 1 कूलम्ब हो या 10 कूलम्ब हो, ये 2 कूलम्ब हो या 50 कूलम्ब हो, दोनों में फोर्स बेटा क्या लगने वाला है, सेम, समझ में आए। अच्छा बेटा सेम फोर्स लग रहा है, चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो कुछ भी हो, अच्छा चार्ज अगर सेम होता तब भी फोर्स तो डेफिनेटली सेम लगना था, चार्ज अलग अलग तब भी फोर्स क्या लग रहा है सेम,
तो दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स बाय मास। सिंस दोनों में फोर्स सेम लग रहा है तो जब दोनों का मास सेम होगा तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। तो बेटा हमें मास क्या चाहिए, सेम। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है बेटा, बी और डी। समझ में आया? तो बेटा चार्ज देखो सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज सेम हो डिफरेंट हो आपका फोर्स सेम लगता है, लेकिन बेटा अगर मास सेम हो तभी एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम। समझ में आया बेटा? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स आ गए हमारे तीसरे सवाल पे, जो कि मेरा तो भैया बहुत फेवरेट सवाल है, क्योंकि किस सवाल में क्या है, इंटीग्रेशन। तो पहला काम है आप लोग पॉज करो, उतार लो, और आई होप आपने लिख लिया होगा। एक सवाल कहीं AIPMT या AI EEE में आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। खैर दिख गया PMT, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कब आया था वो तो डेट तो वैसे भी याद नहीं रहता। अब सवाल ये है कि एक रॉड दिया हुआ है जिसका लंबाई L है, उसमें टोटल चार्ज आपका है बेटा Q। वो उसे क्लोजर एंड से नियरर एंड से स्मॉल क्यू कितना डिस्टेंस दूर है बेटा, स्मॉल डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब आपको बताना है इसकी वजह से इसमें कितना फोर्स फील होगा। हालांकि सवाल थोड़ा अलग आया था AIPMT, और सवाल क्या आया था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा क्वेश्चन के, अभी थोड़ा मैंने आप, ठीक है बेटा। तो पहली बात देखो इसमें कितने चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, और हर चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो हमें उन सारे फोर्स से क्या करना पड़ेगा, एडिशन। एडिशन यानी कि समेशन, और कंटिन्यूअस समेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। साथ साथ बोला करो यार, क्लास में नहीं हो तो फील आती नहीं है, लेकिन बोल सकते हो। देखो चलो शुरुआत करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो मैंने यहां से, मैं यहां से माप रहा हूं, ठीक है, इसको ओरिजिन मान ली, यहां से माप लिया, एक्स डिस्टेंस दूर ले लिया, ठीक है। एक्स डिस्टेंस दूर मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, dx। तो ये छोटा सा एलिमेंट मैंने पहली बात ये लिया क्यों, क्योंकि बेटा जो कूलम्स लॉ है ना, याद करो उसमें मैंने 7 पॉइंट बताए थे, उसमें से एक पॉइंट था कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। वो किसके लिए बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए। दिखाया था ना म्यूचुअल अट्रैक्शन रिपल्शन, पॉइंट चार्ज, सेंट्रल फोर्स, सारे के सारे आ चुके हैं, और सारे के सारे हर जगह आएंगे, तो बेटा वो सब पॉइंट बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है बेटा। डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो छोटा सा मैंने एक एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई क्या है, dx। dx कितना छोटा है बेटा, इतना छोटा कि इमेजिन नहीं कर सकते इतना छोटा। तो कह सकते ना बेटा ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। तो बेटा ये वाला पॉइंट चार्ज, इसमें फोर्स क्या मैं कह सकता हूँ, इस तरफ लगाएगा एक छोटा सा फोर्स dF। कैसा फोर्स, छोटा सा फोर्स dF। तो उसमें अगर उस पर बेटा छोटा सा फोर्स dF लगाया, तो क्या मैं कह सकता हूँ तो छोटा सा फोर्स dF आएगा, वो क्या आएगा बेटा, 1/4πε0। मान लो इसमें छोटा सा चार्ज कितना है बेटा, dQ इंटू वो कितना हो गया बेटा, Q डिवाइडेड बाई, इसे Q0 बोल लो बेटा, ठीक है, Q0 बोल लो, तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, कॉन्स्टेंट है वो, डिवाइडेड बाई। अच्छा इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी बेटा, x। तो ये क्या हो गया बेटा, x2। अब बेटा हमको पता नहीं है कि dQ कितना होता है, हमें पता नहीं है कि dQ कितना होता है, तो dQ कैसे निकालेंगे। देखो बेटा ये बताओ, यहां पूरे लंबाई L में चार्ज कितना है, कैपिटल Q। लंबाई जब 1 थी चार्ज कितना है, Q/L। हमें कितनी लंबाई में चार्ज निकालना है, dx, छोटा सा dx लंबाई में। तो बेटा dx लंबाई में चार्ज कितना होगा, Q/L (dx). आसान सा ही तो है, चलो भाई पुट करते हैं। तो df में क्या हो गया बेटा, 1/4πε0, dq की जगह क्या आ जाएगा, Q/L (x²) dx, सॉरी यहां पे आ जाएगा dx(Q0)। समझ में आ गया? अब अच्छे से देख कॉन्स्टेंट क्या क्या है, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, टोटल चार्ज Q कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कॉन्स्टेंट है, Q0 जो ये पॉइंट चार्ज है वो कॉन्स्टेंट है, तो अंदर में क्या बचा बेटा,
dx by x square. तो बेटा जो net force होगा, सीधा integration होगा दोनों तरफ, तो net force होगा बेटा ये क्या हो गया, 1 by 4 pi epsilon naught q by l q naught integration of dx by x square. अब बेटा आपको बतानी है लिमिट क्या होगी. लिमिट मैं नहीं बता रहा, लिमिट नहीं बता रहा भाई मैं. पॉज करो, सोचो, लिखो अपना आंसर, फिर मैं बता रहा हूँ लिमिट क्या होगा. आई होप सोच लिया होगा. तो बेटा लिमिट सोच, कवर क्या करना है, पूरा का पूरा रॉड कवर करना है. तो रॉड बेटा यहां से शुरू होकर यहां से खत्म हुआ है ना. तो जब हम यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये छोटा एलिमेंट लिया है, हम क्या लेना चाहते हैं, पूरा रॉड लेना चाहते हैं. तो पूरा रॉड लेना चाहते हैं यानी कि हम इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक आएंगे. दोबारा से बता रहा हूं मैं, इस पे फोर्स किसके लिए निकाल रहा हूं, इसके लिए निकाल रहा हूं. तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया. अब उस छोटे से एलिमेंट में हम सारे एलिमेंट को पकड़ेंगे. तो सारे एलिमेंट को पकड़ रहे हैं तो इनिशियल लिमिट तो ये होगी ना बेटा, और फाइनल लिमिट तो ये होगी. तो इनिशियल लिमिट सोच, इनिशियल लिमिट ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, a. x की वैल्यू क्या है, a. तो फाइनल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, l plus a. अब तो बेटा बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है बेटा. 1 by 4 pi epsilon naught q by l, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 by x होता है, a by a plus l, l plus a, एक ही बात है बेटा. आ गया हमारा आंसर. बेटा तुम लोग कर लेना अपने से. अब बेटा बात ये है ना कि सर ये सवाल तो चलो ठीक है, बढ़िया फर्स्ट स्टैंडर्ड सवाल, बहुत बढ़िया सवाल. सवाल एग्जाम में कठिन पूछा था, और यहां पे तो मैंने पूछ लिया है कि ये पूरा रॉड इसमें कितना फोर्स लगाएगा, ये पूरा रॉड इसमें कितना फोर्स लगाएगा. सवाल उल्टा पूछा था, सवाल ये पूछा था कि ये पॉइंट चार्ज इसमें कितना फोर्स लगाएगा. चलो निकालो भाई, पॉज करो, सोचो. और भाई अगर जवाब मिला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है. खैर देखो, जवाब इसका भी कुछ कठिन नहीं है. एक बात बता, पहला वर्ड फिर से म्यूचुअल, म्यूचुअल इसमें जितना फोर्स इसमें भी उतना ही फोर्स. तो इस हम लोग अगर इसमें आपको फोर्स निकालने बोला है तो ये तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना बेटा, इसमें क्यों फोर्स निकालू मैं. मैंने सोचा मैं इसमें फोर्स निकालूंगा, मैं किसमें निकालूंगा, सीधा इसमें निकाल दूंगा. तो मैंने अगर इसमें फोर्स निकाल दिया तो वही फोर्स तो इसमें लग रहा है. हो गया सॉल्व, समझ में आया बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लो. आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ. ये जो सवाल है ये बहुत लोग मतलब बहुत कॉमन सवाल है बेटा. ये सवाल मतलब कि आपको मैक्सिमम हर किताब में मिलेगा, बहुत सारे मतलब टीचर से, हर टीचर कराता ही है. और ये सवाल स्पेशली आपने क्लास, अगर आप डॉन बॉस्को से हो तो आपको मिला होगा, अइंदम से ने कराया होगा ये सवाल, एग्जाम में दिया होगा आपको अगर याद होगा तो, ठीक है. तो देखो बेटा, उन्होंने क्या सवाल दिया था. सवाल ऐसा है कि बेटा दो चार्जेस है, चार्ज क्यू, सॉरी एक चार्ज है क्यू, उसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा. एक मिला होगा आपको क्लास 11 में, लेकिन वहां पे था होगा चार्ज क्यू की जगह बड़ा मास एम होगा. मैंने इसको दो मास दो चार्ज में तोड़ा, एक क्यू और दूसरा क्यू माइनस क्यू. अब बोला है कि मैं कैसे तोड़ू, किस तरह तोड़ू कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना बेटा वो क्या आए, मैक्सिमम, ठीक है. तो अच्छा बोलो मैक्सिमम क्यों आएगा भाई, मतलब क्या मैक्सिमम मिनिमम, मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा. अच्छा ऐसा करते हैं, चार्ज क्यू मान लो भैया 10 कूलम्ब है, मान लो 10 कूलम्ब है, ठीक है बेटा. कॉम्बिनेशन में तोड़ा 1 कूलम्ब 9 कूलम्ब. तो ये पता है कि नहीं आपको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. तो इन Q1 Q2 कितना आ रहा है बेटा, 9. अब मान लो मैंने 1 कूलम्ब 9 कूलम्ब की जगह 2 कूलम्ब 8 कूलम्ब में तोड़ दिया, दो टुकड़े तोड़ने, 2 × 8 कितना हो गया बेटा, देखो 16. समझ में आ रहा है कि नहीं. नेक्स्ट इसको 3 कूलम्ब 7 कूलम्ब में तोड़ दिया, देखो बेटा 21 आ रहा है. तो इस तरह से हर वैल्यू ऑफ हर तोड़ने की वजह से आपका नाम क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा, अलग अलग आ रहा है. तो हमको देखना है हम किस तरीके से तोड़े हैं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैक्सिमम. देखो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ये सवाल जो है मैक्सिमम मिनिमा का है. कैसे सॉल्व करेंगे देखो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जो फोर्स एक्ट होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा बेटा, 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू क्यू आर स्क्वायर. यहाँ पे वेरिएबल क्या है,
ये समझना जरूरी है वेरिएबल है स्मॉल क्यू, क्योंकि ये क्यू चेंज हो रहा है ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको, वन कूलम टू कूलम कुछ भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है बेटा, तो अगर फोर्स मैक्सिमम है तो फोर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, याद है क्लास 11 में कराया था मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है बेटा, तो इसको डिफरेंशिएट करके, याद स्लोप जीरो होता है, खैर वो स्लोप में आएंगे बाद में, समझ सकते हो, तो डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि बेटा वेरिएबल क्या है बेटा क्यू, और हमें निकालना ही क्या है क्यू। ठीक है बेटा, इनटू 1/4 pi epsilon naught, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छे से देखो, जीरो इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught / r² कॉन्स्टेंट है, बाहर आके इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा जीरो, सिर्फ क्या नहीं करा रहा, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू इंटू डी क्यू बाई डी क्यू माइनस टू क्यू, क्या आ रहा है बेटा क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू टू क्यू, क्यू इक्वल टू क्या आ गया बेटा क्यू बाई टू। अच्छा क्यू अगर क्यू बाई टू है तो क्यू माइनस क्यू भी कितना हो जाएगा क्यू बाई टू। तो बेटा दोनों चार्जेस को मैं किस रेशियो में तोड़ू, अच्छे से देखो, क्यू ये भी क्यू बाई टू, ये भी क्यू बाई टू, यानी कि 1:1। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, इजी सवाल था। अब इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, जो फोर्स लग रहा है इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं बेटा, ठीक है, तो आपको और थोड़ी फील आएगी। ठीक है, तो ग्राफ होगा फोर्स और क्यू का, पहले ट्राई करो आप लोग बनाने का, ठीक है, ट्राई करो बनाने का, मैं बना ही देता हूं। पैराबोला ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ क्यों है, क्योंकि देखो बेटा फोर्स इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं कलर्ड पेन से लिखता हूं, फोर्स इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, याद है q इंटू में q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। तो बेटा इसको डायरेक्टली ऐसा लिखना यार, q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ओपन कर दिया मैंने, और अच्छे से देखेगा ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मैंने ऐसे लिख दिया। तो अच्छे से देख, फोर्स मैंने क्या लिखा है y एक्सिस में, q क्या है x एक्सिस में, अच्छे से देखेगा इस तरफ y है, इस तरफ x है, और कुछ हद तक x स्क्वायर है। बेटा जब एक वेरिएबल की डिग्री 1 और दूसरे वेरिएबल, तो क्या आता है हमारा पैराबोला। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और सिर्फ x स्क्वायर के आगे नेगेटिव है ना बेटा, तो नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा। खैर वो हायर मैथमेटिक्स से, उसमें अपने को जाने का कोई मतलब नहीं, अभी हम ग्राफ को बढ़िया से समझते हैं। देख भाई, इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट होगा क्यू कोमा जीरो, इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट होगा 0,0, और एग्जैक्टली बीच में आपका कोऑर्डिनेट कितना है क्यू बाई टू। फोर्स देख लो बेटा मैक्सिमम है, खुद सोच, जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी, जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी, क्यू की वैल्यू जब जीरो होगी, मैं एक और कलर का मार्कर ले लेता हूं, क्यू की वैल्यू जब जीरो होगी तो क्यू माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी क्यू, इस पॉइंट में स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है जीरो, स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर इस पॉइंट में अगर जीरो है स्मॉल क्यू की वैल्यू, तो क्यू माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी क्यू, तब भी बेटा प्रोडक्ट क्या आ रहा है जीरो, तो फोर्स क्या है बेटा, फोर्स क्या है बेटा जीरो। इस पॉइंट पे देखो कैपिटल क्यू, तो क्यू माइनस क्यू की वैल्यू क्या है जीरो, तब भी फोर्स क्या आ रहा है बेटा प्रोडक्ट कर जीरो, तब भी देख फोर्स क्या आ रहा है जीरो। थोड़ा आपको अगर ग्राफ में नॉलेज है तो बेटा ये वैसे ही समझ जाओगे, थोड़ा सा फास्ट कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली बीच में देख ले बेटा क्यू बाई टू में फोर्स क्या आ रहा है मैक्सिमम, और याद है मैंने डीएफ बाई डी एक्स क्या, डीएफ बाई डी क्यू क्या किया था जीरो, यानी कि फोर्स और चार्ज का जो स्लोप है वो क्या होगा जीरो। और अच्छे से देखो यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा जीरो। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ आ सकता है आपके मेंस लेवल में, जनरली ग्राफ पता नहीं आप लोग को आता हुआ कि नहीं, लेकिन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मेंस लेवल में। यहाँ पे होते हैं हमारे सवाल, ये सवाल खत्म। तो भाई साहब देखो, आ गए हम लोग लास्ट पढ़ाव में, आज का वीडियो ये पे लगभग हम खत्म कर रहे हैं। होमवर्क दिया है तुमको इसी बार वहां से, ठीक है बेटा, 1 to 5, 6, 7 ऑप्शनल करना है करो, नहीं तो बाद में करा देंगे, ठीक है, बाद में कराएंगे, वो अभी आपके नॉलेज में शायद ना हो। 8
9 नहीं करना है कर सकते, 10 टू 14, 15 अभी नहीं करोगे बाद में कराएंगे, 16 21 28 33। हिंट्स, 19 नंबर सवाल में सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है आपको, 31 में मैक्सिमा लगाना है। बेटा देखो पहले क्लास के बाद ही मैं सीधा 33 क्वेश्चन तक दे रहा हूँ, इसमें SHM का भी सवाल है एक, ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं सॉल्व होता है तो SHM के मैं सवाल अगले क्लास में आपको वैसे भी कराऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में SHM का सवाल कराएंगे और बढ़िया लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। अब सिर्फ देखो हम वीडियो में क्लासेस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम सवाल खुद से घर में प्रैक्टिस करें, मैं आपको स्टैंडर्ड बढ़िया बढ़िया सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपकी नॉलेज कम सवालों में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो, ठीक है बेटा, मिलता है अगले वीडियो में।